हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उजाला गार्डनिंग टिप्स। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जिससे जो है हम गार्डनर्स बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, तो जी हाँ, आज मैं बात करूँगी गुलाब के पौधे में लगने वाले ब्लैक एफिड्स, मिली बग, स्पाइडर माइट्स, इंसेक्ट और भी तरह तरह के पेस्ट के अटैक के बारे में। तो गुलाब के पौधे में जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज मैंने इस पे जो वीडियो बनाना चाहा, तो मैंने अपने एक सब्सक्राइबर्स के कमेंट पे ये वीडियो मैंने बनाया है। मेरे एक सब्सक्राइबर सविता रानी का कमेंट था कि उनके गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा कीड़े और पेस्ट का अटैक हो रखा है, एफिड्स का अटैक। तो उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन उन्हें एक बढ़िया सा उपाय चाहिए जिससे 100% रिजल्ट मिल सके। तो आज मैं इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा कीटनाशक बताऊँगी जिसका एक बार के इस्तेमाल से इस प्रॉब्लम से आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए, मेरे ये गुलाब की कंडीशन, अभी हमारे यहाँ काफ़ी ठंड पड़ रही थी, धूप काफ़ी दिनों तक नहीं निकल रही थी, तो इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। लेकिन मौसम में बदलाव आया, अब धूप निकल रही है, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हुआ है, तो इसमें नई ग्रोथ भी आने लग गई है। मैंने इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस को कट कर दिया था, तो इसमें नई ब्रांचेस आ गई है, कलियां भी बनने लग गई है और देखिए फ्लावरिंग भी हो रही थी, लेकिन इस पर फिर से इस तरह से ब्लैक एफिड्स का अटैक हो रखा है। तो ये प्रॉब्लम आए दिन फेस करना होता है, खासकर जैसे ही मौसम में बदलाव आता है तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे जब सर्दी से गर्मी शुरू होती है, या फिर गर्मी से सर्दी शुरू होता है, या अचानक बारिश हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो खासकर गुलाब में ही नहीं, ये प्रॉब्लम हमें गुड़हल में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये देखिए, मेरे गुड़हल के पौधे में भी काफ़ी सारी कलियाँ बन रही है, लेकिन इसमें भी वाइट एफिड्स का अटैक है। इस कंडीशन में है ना, कलियाँ जो है खिलने से पहले गिर जाती है, और स्पाइडर माइट्स का अटैक होता है तो पत्तियाँ कर्ल होने लगती है और प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल डल हो जाती है। तो देखिए कैसे, इसमें कलियां तो काफ़ी अच्छी से बन रही है, लेकिन सब में जो है पूरी तरह से एफिड्स का अटैक हो रखा है। तो ये प्रॉब्लम से हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और इसका जो है हम काफ़ी सारा घरेलू ट्रीटमेंट भी ट्राई करते हैं। जैसे हमें लकड़ी की राख जो होता है, वुड एस, उसका छिड़काव से भी इससे बचा जा सकता है, या हर 15 दिनों में नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। लेकिन अगर इसका अटैक बहुत ज़्यादा हो गया है तो इससे हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। मेरे इस गुड़हल के पौधे की कंडीशन देखिए, काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है, इसमें काफ़ी अच्छी कलियां भी बन रही है। देखिए इसमें कलियां काफ़ी अच्छी आ रखी है, लेकिन इसमें भी जो है एंट और एफिड्स का अटैक हो रखा है, और मिली बग का अटैक तो इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा कीटनाशक बताऊंगी जिसका आप बस एक बार इस्तेमाल आपको करना है और इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, ये मैं अपने जो है गुलाब के पौधे मैं आप दिखाती हूँ एक, ये देखिए आपको काफ़ी हेल्दी कंडीशन में आपको दिख रहा होगा। तो इस गुलाब के पौधे में मैंने कीटनाशक का इस्तेमाल किया है, तो इसकी एक भी पत्तियाँ जो है आपको ख़राब होती नहीं दिख रही होंगी, और पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि गुलाब के पौधे हमारे हरे भरे हो, और जब इस तरह के पेस्ट का अटैक होता है तो पौधे की कंडीशन बिल्कुल डल हो जाती है, आप देख ही सकते हैं। तो उसे मैंने, वो हेल्दी प्लांट था तो मैंने उसे अलग रख दिया है, और इन तीनों को मैंने एक साथ रखा है, क्योंकि आज मैं इसमें वो कीटनाशक का इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये है वो जादुई दवाई जिसका इस्तेमाल आज हम अपने गुलाब के पौधे पे करेंगे। तो ये है इमीडा क्लोरोफिट, अलग अलग नाम से ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। और ये जो है इमीडा क्लोरोफिट, इसका 7.8% SL कॉम्पोजिशन है, और ये एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, यानी हमारे प्लांट पे जितने भी ऊपर से लगने वाले ब्लैक एफिड्स हो गए, मिली बग, स्पाइडर माइट्स और इंसेक्ट हो गया, एंट एफिड्स या पेस्ट, हर तरह के अटैक से इससे बचा जा सकता है। ये एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड है, और ये आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं मिलेगा। ये 100 ml की बॉटल है, 210 इसका MRP है, लेकिन ये आपको 180 या 90 के करीब ये आपको मिल जाएगा। और इसकी 50 ml की भी बॉटल्स आती है, आप वो भी ले सकते हैं। एक बार आप लेंगे तो आपको बहुत टाइम तक ये आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं 2 साल से इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, अभी भी इसमें काफ़ी सारी दवाई है। तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है, 1 लीटर पानी में हमें बस 1 ml इसका डालकर इस्तेमाल करना है।
तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हर महीने हमें इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। एक बार आप अगर इसका इस्तेमाल करती है तो इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखेगा। महीने में एक बार आप कर ले। और ये थोड़ा सा कीटनाशक है, जहरीली दवाई है, तो इसलिए हमें प्रिकॉशन के साथ ये करना है। तो मैंने हाथों में हैंड ग्लोव्स पहन लिया है। आप भी जब भी इसका इस्तेमाल करें तो हाथों पे हैंड ग्लोव्स लगा लें, खासकर अगर बच्चों वाला घर है तो। देखिए 1 ml हमें इसका लेना है। तो इमीडा क्लोरोफिट आप जो है इसके बहुत सारे कॉम्पोजिशन आते हैं, तो आपको इसका 70.8 SL का जो कॉम्पोजिशन है उसका आपको इस्तेमाल करना है। ये ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। और ये जो है एक बार के इस्तेमाल से ये जो जितने भी इंसेक्ट है या फिर एफिड्स है वो जो प्लांट से रस चूसने का काम करती है, जो प्रक्रिया होती है, तो 1 घंटे के अंदर ये उस प्रक्रिया को रोक देता है और 1 से 2 दिनों के अंदर ये उनका खात्मा कर देता है। तो देखिए 1 ml हमें लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो 1 ml हम ऐसे पानी में डाल लेंगे। जब हम इसे मिलाएंगे ना तो इसका पानी का रंग जो है हल्का दूधिया कलर का हो जाता है। तो हमें इसे डालने के बाद अच्छे से मिला लेना है। और अब ये तैयार है, तो इसे हम अपने प्लांट पे स्प्रे करेंगे। तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, आप महीने में एक बार करें तो काफ़ी लंबे समय तक आपको इसका रिजल्ट जो है वो बना रहेगा। काफ़ी लंबे समय तक ये उसके बाद आपके प्लांट पे किसी तरह का अटैक आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो जितने भी अफेक्टेड एरिया है हमें उसमें अच्छे से इसका स्प्रे करना है। और स्प्रे करते हुए आप एक बात का ख़ास ख्याल रखिए, आपको जो स्प्रे करना है वो आपको शाम के वक्त करना है या बिल्कुल भी अर्ली मॉर्निंग में करना है। जब धूप निकली हुई हो उस समय आपको इसका स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जितने भी अफेक्टेड प्लांट्स हैं उसमें आप इसका स्प्रे कर सकती है। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया ये एक इंसेक्टिसाइड है। आपको इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। एक बार आप इसका इस्तेमाल कर ले, इसके बाद आप जो है हर 15 दिनों में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकती है या फिर आप फंजीसाइड का स्प्रे करें। और जो लकड़ी की राख होती है, लकड़ी को जलने के बाद जो राख बचती है जिसे हम वुड एश कहते हैं, उसका भी छिड़काव आप करेंगे तो इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो आप एक बार इसका इस्तेमाल महीने 2 महीने में आप एक बार इसका इस्तेमाल करें और बाकी टाइम आप जो है नीम ऑयल या फंजीसाइड का स्प्रे करें, तो बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें।